हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी में मेल गैमेटोफाइट जो था उसमें हमारा चल रहा है एंथर स्ट्रक्चर, और एंथर स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही आज का हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ऑन्टोजेनी की अगर हम बात करें तो ऑन्टोजेनी के अंदर हमने स्टेमेंस के डेवलपमेंट और उसके स्टेम मतलब शूट अपेक्स और फ्लोर अपेक्स जो है उनका इनिशियल डेवलपमेंट्स में काफ़ी कुछ समानताएं देखी थी, जिसमें एक डायग्रामेटिकली हमने ये स्ट्रक्चर भी बनाई थी। जिसमें हम इसको ओवरी या गाइनोसियम, इसको हमने स्टेमन एक तरीके से इनिशियल, ये हो गया कैलिक्स एंड कोरोला पेटल, ये हो गया सेपल ब्रैक। इसकी अगर अपन बात करें तो पुष्प आसन रिसेप्टिकल, जिसकी हम बात कर रहे हैं रिसेप्टिकल, तो डेवलपमेंट सेम वैसे ही है एंड दैट इज नोड, दैट इज नोड, तो सेम वो का वो डेवलपमेंट है। तो इस डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर हम एंथर के डेवलपमेंट को बात कर रहे हैं तो वही जो पुष्प आसन की जो शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं वो कुछ कोशिकाएं जो है वो अनियमित विभाजन करके एक कोशिकीय इनिशियल गुच्छ या ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं। और अगर अपन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एंथर्स की तो ये है यूस्पोरेंजियट, यूस्पोरेंजियट डेवलपमेंट, और यूस्पोरेंजियट को हम कह सकते हैं अग्राभिसारी एक तरीके से। अग्राभिसारी का मतलब होता है कि व्हेन मैनी इनिशियल सेल्स यूज्ड टू डेवलप एनी ऑर्गन, या शीर्षस्थ कोशिका के विभाजन से बनना क्या कहलाता है डेवलपमेंट, यूस्पोरेंजिएट कहलाता है। अगर इसी की अगर अपन बात करें लेप्टोस्पोरेंजिएट, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट में हम ये कह सकते हैं कि शीर्षस्थ कोशिका के अतिरिक्त कोई भी स्पोरोजेनस सेल, सिंगल सेल, जो कि फर्दर विभाजन करके और क्या बना लेती है, डेवलपमेंट करती है, सेल्स डेवलप करती है, क्लियर है यूस्पोरेंजिएट। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो केवल इतना सा है, डेवलपमेंट स्टेजेस की हम बात करें तो ये कोशिका जो है वो क्या बना लेती है, सेल्स। उन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की वजह से वो एक गुच्छे का या ग्रुप का जो है वो रूप ले लेती है, ठीक है। और इसमें चारों ओर एक परतीय कोशिकाएं जो हैं वो क्या बना लेती हैं, एपिडर्मिस टाइप इसको ढक लेती हैं, दीज आर एपोडर्मिस, और अंदर की तरफ जो है वो एक तरीके से ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में। ठीक है, दैट इज इनिशियल, और ये हो गया एपिडर्मिस। विकास क्रम में ये विकसित होते हुए थोड़ा सा एनलार्ज होता है और इसमें लोब्ड टाइप स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप होने लगती हैं।
ठीक है, और इन्हीं के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोभ होमो जीनस मास ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ये हो गई आर्ची स्पोरियल सेल। ठीक है, आर्ची स्पोरियल सेल शायद प्रेसूतक सेल स्टार्टिंग, और ये हो गई एपिडर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, तो इसको एक चार्ट से बनाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं। यू स्पोरेंजियट डेवलपमेंट ऑन रिसेप्टिकल, ठीक है, पुष्प आसन की कुछ कोशिकाएं जो हैं वो वृद्धि कर रही हैं, और वृद्धि करके उन्होंने एक समान होमोजीनस कोशिकाओं का क्या बना लिया, गुच्छ, जिनमें अभी कोई विभेदन नहीं है। डेवलपमेंट के साथ उन्होंने चारों तरफ क्या बना ली, एक एपिडर्मल सेल लेयर जो है सिंगल लेयर को वो विकसित कर लिया है, और अंदर की तरफ होमोजीनस मास ऑफ टिश्यूज डेवलप हैं। और डेवलपमेंट के स्टेज में, क्योंकि ये यू स्पोरेंजियट डेवलपमेंट है, उसमें कुछ कोशिकाएं जो हैं वो आकार में वृद्धि करी हैं, उनके केंद्रक सुस्पष्ट बड़े हैं, उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा है, जीव द्रव्य गाढ़ा है, और अलग ही विकसित कोशिकाएं के रूप में डेवलप हो जाती हैं, नोन एज आर की स्पोरियल। आर की स्पोरियल सेल्स, ठीक है, और इनके विकसित होते ही इनके साथ ही जो हमारा आकार था वो अब कैसा हो रहा है, उसमें लोभ हल्का सा बाहर से इन्वेजिनेशन लोबिक्यूलर हो रहा है, धीरे धीरे लोभ इसमें क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम इसमें अगर अपन बनाएं,
ठीक है, ये बनेगा नेक्स्ट डायग्राम, जिसमें आर्किस्पोरियल जो सेल्स हैं उनमें कौन सा विभाजन होगा, एंटी क्लिनल अपनतिक, ठीक है, जिसकी वजह से दो प्रकार की कोशिकाएं कटेंगी, एक कोशिका कटेगी बाहर की ओर और एक कोशिका कटेगी अंदर की ओर, ठीक है। बाहर की ओर जो कोशिका कटेगी, बाहर और भीतर, अंदर और बाहर, बाहर की ओर जो कोशिका कटेगी वो हो गई प्री पेराइटल सेल, और अंदर की ओर जो कोशिका कटेगी वो हो गई प्री स्पोरो जीनस सेल, ठीक है, ये हो गई। अब यहां पे अगर अपन कहें पेराइटल का मतलब बाह्य भित्ति, प्री पेराइटल की बात करते हैं, प्री पेराइटल सेल जो है वो पुनः विभाजित होती है और उसके अंदर विभाजन होते हैं पेरी एंड एंटीक्लिनल दोनों प्रकार के, पेरी का मतलब खड़ा और एंटी का मतलब अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के क्या हो रहे हैं, विभाजन हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो पेरी विभाजन हो रहे हैं पेराइटल सेल में, उसमें बाहर और भीतर या अंदर की ओर, बाहर की ओर जो सेल कट रही है वो बन रही है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम लेयर जो कि कितनी है, एक पड़ती है, ठीक है, एंडोथीसियम लेयर एक पड़ती है, और अंदर की तरफ ये काटती है पेराइटल सेल, और ये पेराइटल सेल जो है ये फर्दर पुनः कौन से एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों प्रकार के विभाजन करती है, जिसकी वजह से अंदर की ओर बनाती है मिडिल लेयर, जिससे कम से कम दो से तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है, और अंदर की ओर जो है बिल्कुल स्पोरोजिनस सैक की ओर अगर अपन बात करें तो टैपिटम, स्पोरोजिनस सैक की ओर क्या बनाएगा, टैपिटम, और इसकी कितनी होगी, एक परत या एक लेयर, ठीक है, ये हो गया। अब उधर आइए, फर्दर डिवीजन ये है तो हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई इसकी कनेक्टिव सेल्स, ठीक है, दीज आर एपिडर्मिस, बाहर की ओर इसने एक सेल्स को काटा है जो मैं ब्लैक कलर से आपको दिखा रहा हूं, दैट इज एंडोथीसियम जो कि सभी में है, ठीक है, एंडोथीसियम के नीचे की ओर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है मिडिल लेयर, और उसके अंदर की तरफ जो डेवलपमेंट है वो है टैपिटम, ठीक है, टैपिटम लेयर, और ये चारों तरफ से किससे आवृत हो चुकी हैं,
एपिडर्मिस, क्लियर है। और फाइनल डायग्राम जो है वो हमारा आ जाएगा जो हमने एंथर स्ट्रक्चर में दिखाया था, जिसमें ये हो गया कनेक्टिव, ठीक है, और ये हो गए लोब, और इसको अगर अपन बोले तो दैट इज माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम। और इनकी अगर अपन बात करें तो टेपिटम के अंदर जो लेयर है दैट इज स्पोर या स्पोरोजिनस सेल, स्पोर मदर सेल, ठीक है। क्योंकि अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जो सेल अंदर की तरफ ब्रेक हुई थी, कैसे, दैट इज आर्किस्पोरियल। आर्किस्पोरियल सेल में अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं तो आर्किस्पोरियल जो सेल है वो विभाजित हुई थी, और विभाजित होने के फलस्वरूप उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनी थी। एक डायग्राम हमने शॉर्ट कर दिया जगह की वजह से, तो यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये बनती है प्राइमरी बाहर की ओर, प्राइमरी पेराइटल सेल, और अंदर की तरफ बनी थी प्राइमरी स्पोरो जीनस सेल, ठीक है। अब हम बात करें केवल पेराइटल सेल की, पेराइटल सेल में फिर विभाजन हुआ, और विभाजन कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला। हम स्पोरोजिनस की तो बात ही नहीं कर रहे, केवल पेराइटल की कर रहे हैं। तो पेराइटल सेल में ये विभाजन और इस विभाजन से, जो ये वाला विभाजन होता है इससे ऊपर और नीचे लेयर्स बनती हैं। हमको कितनी लेयर बनानी है, हमको सबसे ऊपर बनानी है कौन सी, इसको हम बोलेंगे एंडोथीसियम। फिर हमको बीच में बनानी है कौन सी, जो कि कई लेयर है, दैट इज मिडिल। और फिर उसके नीचे हमको लंबी लंबी सेल्स किसकी बनानी है, टैपिटम। तो आप ढंग से देखिए, इस कोशिका में कौन कौन से विभाजन चाहिए हमको, दो तो चाहिए एंटी, एक और दो, और फिर पेरी जो मिडिल लेयर है उसकी भी कई सारी लेयर। तो यहाँ पे एंटीक्लिनल डिवीजन से क्या हो रहा है, लेयर्स बट रही हैं अलग अलग। तो पहले एंटीक्लिनल से दो कोशिकाएं बना ली, एंडोथीसियम और पेराइटल, एंडोथीसियम और पेराइटल। फिर एक और एंटीक्लिनल कर दिया, जिसकी वजह से ऊपर मतलब बीच वाली जो सेल है वो बन गई मिडिल लेयर, और जो नीचे वाली सेल है वो बन गई कौन सी, टैपिटम इनिशियल। अब इनमें विभाजन कौन सा हो रहा है, ये वाला, जिसकी वजह से ये अपने आकार को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, और बाद में आयतन बढ़ाकर एक संपूर्ण लेयर के रूप में आ जाती हैं। तो अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ये कॉन्सेंट्रिक का मतलब संकेंद्रीय कोशिकाओं की वलयों से घिरा होता है। कॉन्सेंट्रिक रिंग से क्या रहता है, घिरा रहता है। ये हो गया पूरा। अब हम आते हैं आंतरिक कोशिका पे, जो कि बना रही थी स्पोरोजिनस सेल, और ये जो स्पोरोजिनस सेल है स्पोरोजिनस सेल है ये यहां पे बाई फर्दर डिवीजन, ठीक है, बाई फर्दर डिवीजन कौन से, पेरी और एंटी दोनों प्रकार के डिवीजन से कुछ स्पीसीज या प्लांट्स में तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, स्पोर मदर सेल्स में, क्लियर है, स्पोर मदर सेल में चेंज हो जाता है। और ये जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं ये मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर टेट्राड बनाती हैं, अर्थात चार हैप्लोइड पोलन ग्रेन्स बनाती हैं, जो कि मेटामॉर्फोसिस कायांतरण द्वारा किस में बदल जाते हैं, पोलन ग्रेन में, हो गया। और कुछ स्पीसीज में जो टिश्यूज हैं ये यहाँ पे स्पोर मदर सेल के स्थान पर क्या बनाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये असंख्य स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं जिनमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। इनकी सभी की कोशिकाएं कैसी होती हैं, क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल या होमोलोगस। आइसोबाइलेटरल का मतलब एक जैसी, और होमोलोगस का मतलब जिनकी उत्पत्ति समान, आकार आकृति में बिल्कुल समान। और ये अनेक सेल्स का गुच्छा बनता है, इनमें से कुछ बन जाती हैं टैपिटम के साथ न्यूट्रिएंट्स के रूप में, और कुछ सेल्स जो हैं जो कि पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाती हैं पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स। ये है इनका सारा कंसेप्ट डेवलपमेंट ऑफ एंथर।
ये टेबल को नोट कर लीजिए, ये तो हो गया कनेक्टिव, जिसको हम बोल देते हैं योजी। इसी से फ्लामेंट जुड़ता है, यही दोनों के दोनों लोब्स को जोड़ता है। और सिंपल उसमें ये एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो चपटी हैं, इनकी लंबाई कम और चौड़ाई जो है वो अधिक है। इसके अंदर ये एंडोथीसियम जो सेल्स हैं वो इसके आकार में थोड़ी बड़ी हैं, घनाकार या ढोलकाकार टाइप, जो इसे चारों तरफ से क्या करती हैं, घेरती हैं। आउटर एक तरीके से जो स्पॉन्जी टिश्यूज है एंथर के, उनके अंदर धसी होती है, और चारों जो कोस्ट हैं उनमें आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में। दूसरा सबसे बड़ा जो काम है वो है इसका स्पुटन के काम पे बड़ा काम आती है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती है एलोंगेटेड होती हैं, प्लस उसमें सेल्यूलोज का क्या होता है, निक्षेपण, जिसके कारण ये क्या कर लेती हैं, जल अवशोषित करने की क्षमता रहती है। तो जब ये तरुण होता है, बिल्कुल यंग, जब तो ये फूल के टर्जिड रहती हैं, और जब स्पोर मैच्योर हो जाता है और परिस्थितियाँ वातावरण अनुकूलन जो है इसके विपक्ष में हो जाता है, तो ये वाटर लॉस करके क्या हो जाती हैं, बीच की लेयर्स टूट जाती हैं। ये हो गई हमारी एंडोथीसियम दैट इज कनेक्टिव। ये हो गया एपिडर्मिस। इसके बाद अंदर की तरफ की जो लेयर्स हैं वो क्या हैं, मिडिल लेयर, और ये हो गई टैपिटम लेयर्स। और उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं स्पोर टेट्रार्ड्स।
these are spore tetrad. इन्हें हम माइक्रो स्पोर भी कहते हैं, जिन्हें पोलन ग्रेन्स के नाम से जाना जाएगा। और ये कंप्लीट संरचना में ये हो जाएगा पूरा ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि पेरेन्काइमेटा सेल से भरा हुआ होगा, जो कि सप्लाइज का काम करता है, मृदु तक है, जो कि इस कनेक्टिव से इन चारों को ही क्या करता है, सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। ये कंप्लीट है। अब हमारे पास में आता है फाइनली जो स्पोरो मदर सेल है उसमें डिवीजन, जिसकी हम बात करते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये मिटा देता हूं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एंथर। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो जो स्पोर मदर सेल है उसके अंदर होता है मियोसिस, जिससे बनते हैं स्पोर टेट्राड। और ये जो स्पोर टेट्राड हैं, इनमें डिवीजन दो टाइप से होता है, फर्स्ट इज सक्सेसिव, उत्तरोत्तर, ठीक है, और दूसरा जो इसमें डिवीजन होता है वो साइमल्टेनियस होता है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस के लिए हम कह सकते हैं युगपत, कैसे समझिए, दैट इज स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, इसमें सक्सेसिव में क्या होगा कि केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस साथ के साथ होगा अर्धसूत्री विभाजन में, अर्थात ये सेल और इसमें न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज कैरियो काइनेसिस। और कैरियो काइनेसिस होने के साथ ही इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा विभाजन होने से पहले, मतलब माइटोटिक सेकेंड होने से पहले ही क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा और ये कोशिका दो में बढ़ जाएगी, दैट इज सेप्टा या सेल प्लेट, ठीक है। एंड वापस क्या होगा, इसमें विभाजन और जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे दो सेल तो पहले ही बन चुकी थी और दो सेल और इसी में क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी साथ के साथ, दैट इज आइसोबाइलेटरल, ठीक है, दैट इज सक्सेसिव, सक्सेसिव टाइप। इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ ही कोशिका द्रव्य में भी क्या हो जाता है, विभाजन, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है।
अगर अपन साइमल्टेनियस की बात करें तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, युगपत। और उसमें क्या हो रहा है, सेल विभाजन कर रही है, दैट इज कैरियो काइनेसिस। कैरियो काइनेसिस ठीक है, और उसके बाद वापस इसमें दूसरा केंद्रक भी विभाजित होता है, और ये दोनों केंद्रक जो है बनने के बाद वापस क्या करते हैं, नया केंद्रक विभाजित करते हैं। और सब कुछ होने के बाद फिर इसके अंदर क्या बनता है, सेप्टा, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड, क्लियर है? तो ये वाला टाइप कौन सा होगा, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस दैट इज सक्सेसिव, दोनों विभाजन हो गए। इन्हीं विभाजनों के आधार पे जो स्पोर्स हैं टेट्राड्स, उनके अलग अलग क्रमांक है, जैसे कि ये सक्सेसिव टाइप जो है ये आपको मिलता है इन मोनोकोट, मोनोकोट अर्थात एग्जांपल ले तो जियामेज। टेट्राड की बात अगर अपन करें तो ये हमको ज्यादातर डाइकोट्स में मिलता है, और हम एग्जांपल ले सकते हैं निकोटियाना टोबिकम, क्लियर है? इसी के अलावा एक हमें मिल जाता है लीनियर, ये टाइप किसका हो गया, लीनियर का। लीनियर का मतलब रेखित या फिलामेंटस तंतुनुमा, लीनियर टेट्राड। और ये लीनियर टेट्राड जो है ये आपको मिल जाएगा हेलोफिला में, एग्जाम्पल हेलो फिला, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा डेकोशेट, डेकोशेट में That is decussate. Decussate, इसे आप हिंदी में क्रॉसित बोल सकते हैं, क्रॉसित, ये क्रॉस है ना एक दूसरे को, ठीक है, क्रॉसित। और decussate का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मैग्नोलिया, मैग्नोलिया। यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हैं मोनो कोट, और यहां एग्जाम्पल दे सकते हैं डाई कोट, निकोटियाना टोबिकम। एक एग्जाम्पल और यहां ले सकते हैं हम, वो ले सकते हैं किसका, टी शेप का, That is T-shape। और इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं एरिस्टो, एरिस्टो लोकिया,
ठीक है, टी शेप टेट्राड, ठीक है। तो यहां पांच टाइप के हमको अलग अलग टेट्राड्स जो मिल रहे हैं, क्लियर है। अब अगर अपन विस्फोटन की बात करें तो इनका विस्फोटन जो है वो कैसे है, शुष्कता के कारण, ठीक है। और इसकी जो एंडोथीसियम सेल्स हैं वो क्या कर देती हैं, एंडोथीसियम सेल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, विस्फोटन में सहायक होती हैं, शुष्कता की वजह से ये फट जाती हैं। तो आज के टॉपिक में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट। थैंक्स।